करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज आपका 28 फरवरी 2024 एंड आई एम योर होस्ट आशीष बरुआ। डॉलर इंडेक्स अभी है आपका 103.87। कल का अगर प्राइस एक्शंस को देखेंगे तो एक डोजी कैंडल बना हुआ है, एक स्मॉल बॉडी कैंडल, जो ये सिग्निफाई कर रहा है कि प्राइस में ज्यादा कुछ यहाँ पे एक्टिविटी हुआ नहीं है। सो अभी हम देखेंगे द प्राइस एक्शन डेटेड 22nd of February। ये भी एक पिन बार कैंडल है। प्राइस रिजेक्शंस एट द लोअर एंड कहाँ से था, 103.43 एंड हाई कितना है, 104.13। इस 22 फरवरी के प्राइस एक्शन के बाद पिछले तीन दिन 23rd, 26th एंड 27th इसी मदर कैंडल के रेंज के अंदर में ट्रेड कर रहे हैं। व्हाट इट सिग्निफाइज, यही सिग्निफाई हो रहा है कि यहाँ पे डॉलर इंडेक्स प्राइस जो है ये कंस्ट्रेन कर रहा है, यानी एक रेंज बाउंड मूव कर रहा है, और जैसे ही आइदर साइड में ब्रेक आउट करेगा, पॉसिबली ऑन द हायर साइड और ऑन द लोअर साइड, जैसे भी डायरेक्शन में हो, उसके बाद एक हमें मॉडरेट मोमेंटम मिलने का हायर प्रोबेबिलिटी है। तब तक हमें थोड़ा सा प्राइस एक्शंस के लिए इंतजार करना पड़ेगा। डॉलर रुपी कल के दिन में 82.8889 पे क्लोज दिया हुआ है। सो वही है प्राइस एक नैरो रेंज के अंदर में मींस कंसोलिडेट कर रहे हैं। अभी हमें इंतजार है एक ब्रेकआउट का। अभी देखना है कौन सा डायरेक्शंस में ये ब्रेकआउट करते हैं। नेक्स्ट इज योर जीबीपी डॉलर। जीबीपी डॉलर करेंटली ट्रेडिंग एट 1.2670। यहां पर भी कल के दिन में एक डोजी कैंडल बना। ये जो डोजी कैंडल, सिमिलरली ये जो 22 फरवरी का कैंडल है विद लॉन्ग वीक, इसके रेंज के अंदर में पिछले तीन दिन का प्राइस सस्टेन कर रहे हैं। एक बार इस 22 फरवरी के रेंज के बाहर जाने देते हैं तो एक मॉडरेटली मींस मीडियम रेंज का एक मोमेंटम हमें मिल सकते हैं। जीबीपी आईएनआर यहाँ पर भी सेम है, आपका 22 फरवरी का रेंज के अंदर में ही प्राइस इसके बाहर निकलने का इंतजार करते हैं, आइदर ऑन द हायर साइड और ऑन द लोअर साइड। उसके बाद एक मीडियम साइज का मोमेंटम हमें मिलने का हायर पॉसिबिलिटीज हो सकता है। देन इज योर यूरो डॉलर। यूरो डॉलर भी कल के दिन में एक डोजी कैंडल बनाया हुआ है, यानी इट्स अ पॉज। ये जो पॉज कैंडल है प्लस जो लास्ट तीन दिन का, आज का लेके चार दिन, ये चार दिन का जो एक्टिविटी है ये 22 फरवरी के रेंज के अंदर में है। यानी जब भी एक मोमेंटम होगा एक ही साथ में मोमेंटम होगा, अदरवाइज प्राइस एक ही साथ में कंसोलिडेट करेगा एक रेंज के अंदर में। यूरो आईएनआर सेम एनालिसिस, ये 22 फरवरी के रेंज के बाहर निकलने का हमें इंतजार है। डॉलर येन करेंटली ट्रेडिंग एट 150.45, ये एक नैरो रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ पे जो नैरो रेंज का जो रेंज है ये 13 फरवरी का है, नॉट 22nd February। 13 फरवरी के ब्रेकआउट के बाद कितने दिन, दस दिन ऑलरेडी कंप्लीट हो गया। आज 11th डे है जो प्राइस नैरो रेंज पे बिहेव कर रहा है। दैट बीइंग द केस, 13 फरवरी का जो रेंज है इट इज क्रूशियल। इसके जैसे ही आइदर हायर साइड में ब्रेकआउट करेगा और लोअर साइड में ब्रेकडाउन करेगा तो एक मोमेंटम मिल सकता है। इन दिस केस ये जो मोमेंटम होगा वो थोड़ा सा बिगर मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ डेज मोर है। पहले डॉलर इंडेक्स, जीबीपी डॉलर, जीबीपी एनआर, यूरो डॉलर, यूरो एनआर पे जो रेंज है ओनली 3-4 कैंडल्स का, यहाँ पे ऑलमोस्ट 3 टाइम्स मोर नंबर ऑफ डेज है। सो इसमें 13 फरवरी का रेंज ब्रेकआउट के बाद एक
मॉडरेटली बिगर मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी द मिलियन डॉलर क्वेश्चन इज कौन सा डायरेक्शन में ब्रेकआउट करेगा। ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा तो इमीडिएटली रेजिस्टेंस लेवल जो है आपका 151.80 से 152.00 हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा लॉन्ग साइड में। येन आयनर में भी आपका ये डबल बॉटम यानी सपोर्ट लेवल के पास कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ पे जो 13 फरवरी का जो रेंज है ये करंट प्राइस एक्शन इज आउटसाइड दैट 13 फरवरी। डॉलर येन में विद इन दैट 13 फरवरी था ये वाला, लेकिन येन आयनर ये 13 फरवरी के रेंज के नीचे कंसोलिडेट कर रहा है। ऐसा क्यों है? बिकॉज यहाँ पे एक एडिशनल कंपोनेंट दैट इज द डॉलर रुपी का कंपोनेंट यहाँ पे ऐड अप हुआ है जिसके कारण ये 13 फरवरी के रेंज के बाहर है। सो यहाँ पे हमें कंसोलिडेट के बाद लॉन्ग पोजीशंस बिल्डअप करने का इंतजार करना है। डॉलर कैंडी वही है रेंज के अभी हायर एंड के पास जाने का प्रयास कर रहे हैं 1.355060 के नजदीक करेंटली एट 1.35। अभी हमें यहाँ पे देखना है कौन सा डायरेक्शन पे ये जाते हैं। रेंज ब्रेकआउट इज मस्ट। ऑसी डॉलर अभी थोड़ा सा नेगेटिव बिहेव कर रहा है पिछले दो तीन दिनों में, करेंटली इट इज ट्रेडिंग एट 0.6525। अभी एक स्विंग हाई बनाया हुआ है, इस स्विंग हाई को अगर तोड़ते हैं तो एक लॉन्ग बिल्डअप का प्रोबेबिलिटीज प्रोपेंसिटी बन सकते हैं। डॉलर सीएनएच करेंटली 7.2065 ये भी रेंज के अंदर में ही फंसा हुआ है। कौन सा रेंज है? ऑन द हायर साइड 7.2320 एंड ऑन द लोअर साइड 7.17 एंड ब्रेंट क्रूड। सो बिफोर ब्रेंट क्रूड आप देखोगे ऑलमोस्ट ऑल द करेंसीज आर इन नैरो रेंज। सो एक क्रूशियल ब्रेकआउट के लिए इंतजार कर रहे हैं। जब तक ब्रेकआउट नहीं करते प्राइस फ्रस्ट्रेट कर सकते। ब्रेंट क्रूड currently ये जो कैश चार्ट है 82.25 यहाँ पे आपका अगर वीकली देखोगे वीकली चार्ट में आपका ये रेंज के अंदर में, इस रेंज से बाहर निकलना है फॉर ए स्विफ्ट एक मोमेंटम देने के लिए। नेक्स्ट इज यूएस 10-year ट्रेजरी करेंटली 4.2950 ये रेजिस्टेंस जोन के लेवल आके प्राइस कंसोलिडेट कर रहे हैं। ये जो प्राइस जब रेजिस्टेंस लेवल पे या सपोर्ट लेवल पे कंसोलिडेट करते हैं इट गिव्स ए डेंजर जोन, स्पेशली आपका रेजिस्टेंस जोन के नजदीक आने के बाद अगर कंसोलिडेट करते हैं टाइम पास करते हैं तो इट इज वेरी अलार्मिंग। क्यों अलार्मिंग? इसका मेन रीजन अगर ये रेजिस्टेंस लेवल होगा तो सेलिंग इज ऑलवेज फर्स्ट, सेलिंग फर्स्ट आना है, लेकिन यहाँ पे सेलिंग नहीं हो रहा है। रेदर ये स्ट्रेंथ एक्युमुलेट करने का प्रयास कर रहा है तो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये बोलूंगा कि ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा, लेकिन जब भी रेजिस्टेंस लेवल पे कंसोलिडेट करते हैं टाइम पास करते हैं दैट मीन्स इट इज ट्राइंग टू गैदर मोमेंटम एनर्जी पैशन टू ब्रेक अबोव द रेजिस्टेंस। अभी हमें देखना है क्या ये ऊपर की तरफ जाते हैं या नहीं। यूएस 2-year ट्रेजरी करेंटली ट्रेडिंग एट 4.6850 ये यहाँ पे एक एम पैटर्न प्रयास कर रहा है बनाने का जो 26 फरवरी के लो के नीचे एक मॉडरेट सेलिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। भयंकर सेलिंग नहीं, स्ट्रॉन्ग सेलिंग नहीं, एक मॉडरेट सेलिंग हम एक्सपेक्ट। तो करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। ऑल द करेंसी पेयर्स आर इन रेंज बाउंड मूव मोमेंटम एक्स, सिर्फ डॉलर येन एंड येन आईएनआर पे है, बाकी में नैरो रेंज के अंदर में फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं ट्रेडर। जब तक रेंज ब्रेकआउट नहीं होते हैं तब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। सो करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आप सभी को अच्छा लगा। थैंक यू एंड Have a nice day ahead. Bye-bye.